हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। छोटे छोटे कुछ टर्म्स होते हैं जिससे हम लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं आप लोगों को कुछ मिनट के अंदर ही इसको क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों, अगर इस वीडियो पे आप लोग नए हो तो यार प्लीज इस चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करो वीडियो, क्योंकि आपका सपोर्ट और हमारी एनर्जी दोनों इक्वालिटी होती है यार, ठीक है? और लाइक मारना है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, ये आप बोलेंगे सर इसके ऊपर। हाँ जी, डिफाइन आते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में पक्का हो जाए। सर क्या पढ़ाओगे? देखो बच्चों, कंडक्शन क्या होता है, ये तीनों प्रोसेस ये हीट ट्रांसफर करते हैं हाई टू लो या हाइयर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर जैसे सन से अर्थ तरफ हो रही है। लेकिन ये जो कंडक्शन है ये स्लो मोड, मोड कैसे बेटा, एकदम स्लो मोड है, ओके? और यहां पे विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, क्या वर्ड इस्तेमाल किया, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन। मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने एक रॉड ले लिया और इस रॉड को मैं इस तरफ से ऐसे कोई एक कैंडल ले ली, इसके ऊपर रख दिया। अब हीट करो, ये मेरा हाथ यहां पे ऐसे पकड़ के होल्ड करके रखा मैंने, क्या है मुझे तुरंत यहां पे हीट लगेगी कि मेरे हाथ को? नहीं लगती। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इस कंडक्शन मोड में यहां पे होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये हीट ट्रांसफर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स करता है, ये खुद मॉलिक्यूल यहां से उठ के यहां नहीं आता है। क्या होता है, मैं सिंपल एक कहानी बताऊंगा आपको। हम लोग जैसे कि कुछ गांव में जब खाना रहता है शादी में या कहीं ऐसे बड़े फंक्शन में, तब है ना यार ऐसे पंगत बिठाते और खाना परोसते हैं ऐसे ऐसे एक एक आदमी को, है ना? तो वो प्रोसेस हो गया एक्चुअल माइग्रेशन। यहां पे वैसा नहीं है, इसको मैंने खाना दे दिया, इसका पेट भर गया, एक्सेस ऑफ खाना होगा तो इसको देगा, इसके पास एक्सेस हुआ तो इसको देगा, इसके पास एक्सेस हीट होगी तो इसको देगा, इसको देगा बाद में इसको। इसमें टाइम बहुत लगता बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मुझे ये बताना है कि आप लोगों को ये हीट ट्रांसफर करने का स्लो मोड क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअल माइग्रेशन नहीं, खुद पार्टिकल हीट हो गया चला गया इधर, नहीं ऐसे नहीं होगा। मतलब ये ए टर्मिनल है, ये बी एंड, ठीक है? मतलब इसको एक्सेस हुआ, मतलब मेरे पास खाना दिया, मेरा एक्सेस हुआ तो मैं दूसरे को दूंगा, दूसरे के पास पेट भर गया अब मैं तीसरे को दूंगा, तीसरा खाएगा पेट भर गया, आप चौथे, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। वैसे ये प्रोसेस है बेटा कंडक्शन प्रोसेस, यहां पे पार्टिकल खुद यहां से यहां नहीं जाता मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये हीट का स्लो प्रोसेस है। कन्वेंशन का क्या एग्जांपल दूंगे, तो देखो इसमें आप लोगों ने पानी ले लिया, गैस के ऊपर रख दिया। अब गैस के ऊपर रखने से क्या होगा बेटा, ये मॉलिक्यूल्स है पानी के, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसको हीट मिल गई तो देखो पानी नहीं कि उबलते हुए बॉइल जब होता है ना, वो कंडीशन देखो, पानी के पार्टिकल खुद ऊपर आते हैं बाद में नीचे, ऊपर नीचे खुद पार्टिकल मूव होते हैं। इसमें खुद पार्टिकल हो रहे क्या? मूव नहीं, इसके हो रहे। ये प्रोसेस इस प्रोसेस से फास्ट है, थोड़ा फास्ट है एज कंपेयर टू द कंडक्शन। और यहां पे एक्चुअल माइग्रेशन होता है बच्चों, क्या होता है एक्चुअल माइग्रेशन, माइग्रेशन समझते हो ना, मूव होना है ना, एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल जो बोलना है बोल सकते हैं। और यहां पे विदाउट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, विदाउट है ना एक्चुअल माइग्रेशन है, इतना फर्क है। ये इससे सर, ये रेडिएशन जो सन से लाइट आती है ना, ये वेरी फास्टेस्ट मोड है, सबसे फास्टेस्ट। देखो यहां पे मैंने फास्ट, ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट और ये फास्टेस्ट लिखा। ये रेडिएशंस जो है सन से जो लाइट आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आती है वो रेडिएशंस है, ये रेडिएशन वेरी फास्टेस्ट मोड। मुझे लगता है दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। और इसकी स्पीड हम लोग रेडिएशन की सबसे ज्यादा मानते हैं, पता है आपको, अगर सनलाइट करते हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। अगर आपने डिसाइड किया कि चांद पे जाना है तो जा सकते हो और वापिस भी आ सकते हैं 2.5 सेकंड में, करीब करीब अप्रॉक्स 2.5 सेकंड में आप लोग सन पे जाके वापस, सॉरी मून पे जाके वापस आ सकते हैं लाइट के स्पीड में, ठीक है बेटा? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुझे बताना नहीं है यहाँ पे। तो चलो यार शेयर करो, और जितना हो सके उतना आप दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करो। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट कम समय में क्लियर करने के लिए। चलो यार, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।